तो भाई हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ठीक है। और उसके ग्राफ कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे उसका वेरिएशन होगा, बैकग्राउंड वोल्टेज क्या है, हाउ बैरियर पोटेंशियल बैरियर और कैन से डिप्लीशन लेयर अफेक्टेड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस वोल्टेज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हम लोग सिलेबस में बोला सिंगल एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर सर्किट। व्हाट इज रेक्टिफायर? एसी सर्किट, द सर्किट विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज या करंट इनटू क्या होता है, इनटू डीसी वोल्टेज और करंट इज नोन एज रेक्टिफायर सर्किट। दैट्स व्हाई योर दिस वन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और फर्स्ट वन पीएन जंक्शन डायोड यूज एज रेक्टिफायर सर्किट मीन्स द सर्किट विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इंटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट इज नोन एज रेक्टिफायर सर्किट। फॉर दिस पर्पज पीएन जंक्शन डायोड इज यूज, ठीक है। नाउ दिस सर्किट इज टू टाइप्स एंड क्या कह सकते हैं, इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन व्हाट इज, फर्स्ट वन जिसे बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, तुम्हारा क्या हो जाएगा फर्स्ट वन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाउ वी डिफाइन दिस रेक्टिफायर, कन्वर्ट वन हाफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इंटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट व्हाट इज प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होगा भाई, दिस प्रिंसिपल इज द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज वेरी स्मॉल ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस एंड इट इज वेरी लार्ज ड्यूरिंग रिवर्स बायस। इसमें डिस्कस कर चुके पीछे, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर फॉरवर्ड बायस है करंट क्या होती है, जैसे ही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नी वोल्टेज क्रॉस करता है करंट क्या अचानक बढ़ती है, और इस केस में क्या है करंट बिल्कुल कांस्टेंट आती है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या है रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा है, तो इसका इफेक्ट हो गया वर्क करने का। नेक्स्ट क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और क्या उसका होगा फिर वेवफॉर्म और उसकी वर्किंग, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तुम्हारा हो जाएगा भाई सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जस्ट सी हियर, सिंपल है, समझिए इसे कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा दिया है हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, देखो यहाँ लगा दिया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर प्राइमरी या सेकेंडरी, ये ध्यान रखना प्राइमरी कॉइल जो होती है इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ लगाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे पलक क्या होता है, जो सप्लाई आ रही है हमारी, हमें क्या, हमें जैसे मोबाइल एडाप्टर बनाना है, मोबाइल का चार्जर बनाना है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमको एसी से डीसी चाहिए, तो डीसी लो वोल्टेज चाहिए, तब मोबाइल के एडाप्टर में मोबाइल के चार्जर में क्या होता है, वो अगर हम उसको 220 वोल्ट से सप्लाई कर देते हैं तो हमें वहाँ कहते हैं 3 वोल्ट चाहिए या 6 वोल्ट चाहिए 5 वोल्ट चाहिए एज रिक्वायरमेंट, तो हमको इतना हायर से लो वोल्टेज चाहिए, तो उसके अंदर क्या लगा होगा, उसके अंदर लगा होगा हमारा ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट वहाँ लाएगा 6 वोल्ट पे या 63 वोल्ट पे एज रिक्वायरमेंट लाएगा, तो वहाँ लगा दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर अब वहाँ लगा होगा, आगे लगा होगा जंक्शन डायोड जो क्या करेगा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर उसे मिलता है फ्लक्चुएशन डीसी में, जैसे क्या मतलब फ्लक्चुएशन मिलता है, डीसी तो है, डीसी माने हो गया ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव, जब करंट का फ्लो ओनली पॉजिटिव होगा या ओनली नेगेटिव होगा, केवल एक ही डायरेक्शन हो गया, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं डीसी या और इस सर्किट क्या बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। तो ओनली पॉजिटिव चाहिए या ओनली नेगेटिव चाहिए, तो इस प्रकार से लेंगे क्या ओनली पॉजिटिव में क्या होता है फ्लक्चुएशन, इस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, वहां लगाते फिर रेक्टिफायर सॉरी फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होती है, फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर लगता है या दोनों कॉम्बिनेशन लगता है, वो डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट और फ्रिक्वेंसी एंड सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन फिल्टर सर्किट हमारे सिलेबस नहीं है, बस इतना नाम जानते रहिए कि उसको जो अगर वेरिएशन हैं जो फ्लक्चुएशन हैं डीसी में इसको रिमूव करना है, क्या लगाएंगे फिल्टर सर्किट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ दो लाइन को खींची गई, दो लाइन क्या इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेमिनेटेड आयरन कोर, जो क्या करता है, जो एडी करंट को कम करता है। तो क्लियर हो गया, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ लगा दिया डायोड, यहाँ लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, इससे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ इनपुट देंगे, देखो यहाँ पे एसी,
इनपुट दिया कि इनपुट वेवफॉर्म हो गया, ये आउटपुट वेवफॉर्म हो गया, ये सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। ओके, अब देखिए वह लगाएंगे पॉजिटिव, जब एसी इनपुट का लगाएंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ वेव के दौरान या पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ लगाएंगे या इस पर अप्लाइड करेंगे तो यहाँ क्या पॉजिटिव नीचे क्या निगेटिव डायोड गोइंग ऑन फॉरवर्ड बायस, और जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो वर्क करेगा, अगर वर्क करेगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, जैसे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जो लगाएंगे निगेटिव पी जाएगी निगेटिव हाफ साइकिल, तब यहाँ हो गया निगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, उस कंडीशन पर डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में, जैसे इट्स नॉट वर्किंग, अगर वो नहीं करेगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ओनली हाफ वेव वी ऑब्टेन, दैट्स व्हाई इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। जो हमने समझाया आपको यही आपको लिख देना है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए वर्किंग क्या लिखेंगे, नंबर वन यही क्या हो गया, ये हो गया हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या हो जाएगा ये हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज अप्लाइड एट द इनपुट देन डायोड डी फॉरवर्ड बायस, ठीक है, therefore it is working and current flow from the resistance from A to B control होगा and output voltage obtained। इस प्रकार से क्या मिल जाएगा, output voltage मिल जाएगा, यहाँ मिलता दिखाई पड़ रहा है, ठीक। दूसरे भी क्या है, during negative half cycle क्या हो जाएगा, when negative half cycle applied at input then diode D reverse bias, therefore it is not working, अगर work नहीं करेगा hence no current flow in the circuit, ठीक है। इन दिस वे क्या है, ओनली हाफ वेव ऑब्टेन एट आउटपुट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। वन मोर थिंग पूछा जाएगा, मान ली इनपुट फ्रिक्वेंसी इसमें क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ पर एक वेव पूरी हो रही है, इसका भी सेम टाइम में एक वेव पूरी हो रही है, यहाँ कुछ फिर भी क्या वन वेव पूरी हो रही है, इसलिए क्या होता है अगर फ्रिक्वेंसी यहाँ इनपुट कितना 100 आउटपुट कितना रहेगा 100 रहेगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट कर लीजिए इसको, क्या होता है कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहेगी, ये ध्यान देना है। तो इस क्लास क्या हो गया हमारा वर्किंग क्लियर हुआ। अब सेकंड क्या ऐसी बात आएगा, नेक्स्ट आएगा कि सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग आप क्या हो गया, देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, ये तो हो गया हाफ वेव का, क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए फुल वेव क्या क्या चेंजेज आएंगे, थोड़ा चेंज है बाकी सेम रहेगा, यहाँ क्या नेक्स्ट हो गया, वर्किंग क्या हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, इसको पूरा आप भी पूरा नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं कर पाए वीडियो पॉज करिए फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं आप ध्यान समझिए, यहाँ इनपुट सेम रहेगा भाई, अब क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ दो डायोड लगा दें, एक डायोड देखो यहाँ लगा देंगे, दो डायोड लग गए भाई, ठीक है ना, डायोड डी वन डी टू, अब क्या लगा देंगे इसको, दोनों जोड़ दिए लाके, यहाँ दोनों जोड़ दिए इसको, ए डायोड क्या हो गया डी वन, यहाँ डायोड क्या हो गया डी टू हो गया, दो डायोड डी वन डी टू, ठीक है, ए डायोड हो गया डी वन, यहाँ डायोड क्या हो गया ए डायोड हो गया डी टू हो गया, ठीक है भाई, ए डायोड डी टू हो गया। अब यहाँ बीच में यहाँ क्या करेंगे ला करके, ये तुम्हारा जुड़ा इस पार से, ठीक, यहाँ बीच में ला के जोड़ देंगे, रेसिंग जोड़ देंगे, ए पॉइंट हो गया ए, ए पॉइंट हो गया बी, हमको यहां मिलेगा आउटपुट, इतना अंतर है बाकी सब सेम, देखो यहां मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, ये क्या हो गया लोड रेजिस्टेंस। खास बात क्या इसमें है, इसमें इस ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसे थोड़ा क्लियर कर लो भाई, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इसको इस टाइप से, ए ए, तो इसे क्या बोलते हैं, इस टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये दो पार्ट क्या हो गया डिवाइड हो गया, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। इसका ड्रॉबैक क्या होता है, अगर मान लो आपको 20 वोल्ट की आउटपुट चाहिए उसके लिए क्या देखिए 20 वोल्ट अप 20 वोल्ट डाउन, मीन्स आपका सेकेंडरी कितना चाहिए 40 वोल्ट का होना चाहिए, तब यहाँ 20 वोल्ट मिलेगा हमको, ठीक है,
तो जितनी पावर जिसका डबल लगाना पड़ता है, जितनी साइज क्या इसकी बढ़ी जाती है और साइज ट्रांसफार्मर जितनी बड़ी हो जाएगी उतने पावर कंजम्पशन क्या होता है बढ़ जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में इसका जो सब्स्टिट्यूट है एक बनाया गया है ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें चार डायोड लगता है, लेकिन क्या है यहाँ पर उसका फुल आउटपुट हमारा उसमें यूज होता है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर आपके अभी हमारे सिलेबस नहीं है, तभी क्या है केवल इतना ही है जो हमारा फुल में काम आएगा। अब देखिए कैसे काम करेगा भाई, ये सर्किट डायग्राम क्या, सर्किट डायग्राम हमारा क्लियर हुआ, प्राइमरी अगेन क्या सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी में नंबर आपका कम होगा, प्राइमरी में ज्यादा होगा, क्लियर हुआ, यहाँ इनपुट देंगे, अब आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट पूरा पूरा मिलेगा, कैसे भाई ये समझना कैसे मिलेगा, पूरा मिलेगा आउटपुट क्या मिलेगा, अब पॉजिटिव में दोनों मिलेंगे इसमें, यहाँ आपके हमको दोनों मिलेगा, कैसे मिलना समझिए इसको, आगे फिर बढ़ेगा इस बात से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया सर्किट डायग्राम आप हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, ये हो गया इनपुट वेव फॉर्म, ये हो गया आउटपुट वेव फॉर्म, पहले समझते हैं वर्किंग में, फिर क्या यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए जिस समय क्या हो गया, यहाँ अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ पी, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव हाफ पी करते हैं इनपुट देन व्हाट हैपन, देन डायोड डीवन फॉरवर्ड बायस, डी2 क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, अगर फॉरवर्ड बायस हो गया ये वर्क करेगा ये वर्क नहीं करेगा, करने का करण देखो यहाँ पे चलिए इस बात करंट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाकर कंप्लीट होगी ना, करंट कैसे फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट फ्लो ही भाई मिल गए हमको, जैसे करंट बढ़ी बढ़ी जैसे करंट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई मिल गई, ठीक है। अब क्या हो गया, जो लगाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, व्हेन वी अप्लाइड नेगेटिव हाफ साइकिल देन व्हाट हैपन, देन ऊपर क्या होगा नेगेटिव, नीचे क्या होगा पॉजिटिव, दिस मींस डायोड डी2 क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, डी1 क्या हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। अगर डी1 रिवर्स हो गया, डी1 नॉट वर्किंग, डी2 वर्किंग, अगर डी2 वर्क है डी2 करंट यहां फ्लो गई इस बात से, डॉट डॉट दिखा दें यहां पे, यहां जाएगा यो गया फिर यो आया फिर क्या यो जाएगा यो जाएगा, ठीक है, करंट वाली आ गई इस बात से, ठीक है। क्या है अगेन जो हमारी करंट कैसे जा रही है, फिर इसमें करंट जा रही है ए टू बी जा रही है, जिसमें चाहे पॉजिटिव पीक आ रहा है चाहे नेगेटिव पीक आ रहा है, इन बोथ केस करंट फ्लो इन क्या हो गया लोड रेजिस्टेंस ए बी, जो क्या फिर अगेन पॉजिटिव हो गया, मीन्स ए टू बी सेम डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव पीक आवे तो भी करंट ए से बी, नेगेटिव पीक आ रही है तो भी करंट ए से बी, एक ही रास्ता है। इस प्रकार से हमको ए बी पर क्या मिलेगा सेम वोल्टेज, मतलब सेम टाइम माने सेम अगेन पॉजिटिव पीक मिल गया, सेम डायरेक्शन मिल गया ना, मीन्स यहाँ क्या था हमको डायरेक्ट करंट माने क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सेम होनी चाहिए, सेम हो गया भाई। अब क्या है इस पॉजिटिव में क्या फ्लक्चुएशन है, तो हमको फ्लक्चुएशन रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं आगे लगाएंगे फिल्टर सर्किट, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं किया था, क्यों, हाफ वेव में आधा वेव रही आधा वेव गायब हो जाएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आधी आधी क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी ना, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जो समझा है इसको लिख दीजिए आगे। वर्किंग आ जाएगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज अप्लाइड एट इनपुट देन डायोड डी1 इन फॉरवर्ड बायस एंड क्या हो गया एंड डी2 क्या हो गया एंड डायोड डी2 इज रिवर्स हो जाएगा एंड डायोड क्या हो गया भाई डायोड डी2 इज रिवर्स हो गया ना रिवर्स चलिए रिवर्स बायस ये हो गया रिवर्स बायस ठीक है रिवर्स बायस सो या देयरफोर डायोड डी वन इज वर्किंग डायोड इज वर्किंग एंड डी टू इज नॉट वर्किंग एंड डायोड क्या हो जाएगा एंड डायोड डी टू इज नॉट वर्किंग नॉट वर्किंग ठीक है ना वर्किंग देयरफोर क्या हो गया हेंस करंट फ्लो है लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी हेंस क्या हो गया हेंस नॉट वर्किंग कॉलेज हो भाई यहां पे हेंस करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस थ्रू रेजिस्टेंस या कौन रेजिस्टेंस हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम
ए टू बी, ठीक है ना। एंड क्या हो गया, एंड आउटपुट वोल्टेज आपके आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन्ड, ठीक है मिल गया हमको आउटपुट मिल गया। फिर क्या लगाएंगे, ड्यू नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाइड एट द इनपुट, क्या हो गया वह नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाइड एट द इनपुट। देन डायोड क्या हो गया आपका डी वन, क्या हो गया इज रिवर्स बायस, क्या हो गया डी वन क्या है रिवर्स बायस हो गया। डी टू क्या हो गया, ठीक है ना, डी वन क्या रिवर्स बायस हो गया भाई, चलिए डी वन इज रिवर्स बायस। एंड डी टू क्या हो गया रिवर्स बायस, एंड डी टू क्या हो गया डी टू इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। देयरफोर देयरफोर करंट करंट क्या क्या देयरफोर करंट अगेन क्या क्या हुआ, देयरफोर डी वन इज नॉट वर्किंग एंड डी टू इज वर्किंग, ठीक है ना वर्किंग, हैंस करंट फ्लो फ्रॉम या करंट फ्लो थ्रू थ्रू लोड रेजिस्टेंस, थ्रू लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, क्या हो गया फ्रॉम ए टू बी, करंट क्या हमारी ए टू बी फ्लो हो रही है इन दिस वे, क्या हो गया इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे फॉर बोथ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओनली पॉजिटिव साइकिल्स ना, ओनली पॉजिटिव साइकिल्स साइकिल ऑब्टेन्ड एट आउटपुट, एट आउटपुट दैट्स वाई, दैट्स वाई इट इज नोन एज क्या हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है भाई। तो इसका क्या हो गया यहां फुल मिलेगा, और जो हमारा यहां पर आएगा फ्लक्चुएशंस, दिस फ्लक्चुएशन और दिस फ्लक्चुएशन कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होती है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर और ओनली कैपेसिटर और ओनली इंडक्टर, दिस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्ट, इनपुट वोल्टेज, ओके। तो इस प्रकार से हम ये हमारा हो गया वर्किंग हो गया है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पज डायोड जो हमारे सिलेबस में है, उसके बाद क्या है इस साल का सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है भाई। बाकी नई चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज बच रही हैं उसको कंपटीशन वाले वीडियो में डालेंगे, जो जी मेंस की कुछ वीडियो और बना रहे हैं, ठीक है। आपको डिटेल में जाना है, बहुत सारे नुमकल अभ्यास करना है, रिवाइज क्या थ्योरी, फिर आप लोग देखिए जी मेंस की वीडियो, उसमें इजी लैंग्वेज में प्रयास किया गया कि हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए, ठीक है। इसको अगर नोट करिए, नहीं नोट कर पाए तो वीडियो पॉज करिए, देन इजीली नोट कर लीजिए और वन बाय वन पढ़िए, एक बार ध्यान समझ लीजिए, तो काफी इजी थ्योरी है, कोई कठिन नहीं है, लगना पड़ेगा, ओके। चलिए थैंक यू।